आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार चतुर महायोग के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणपति स्थापना के दो ही शुभ मुहूर्त मिलेंगे और आज ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जैसा कि भगवान गणेश के जन्म के समय बना था। गज केसरी समेत टोटल चार शुभ योग में विराजेंगे गणेश जी। गणेश स्थापना के लिए घर पर स्थापना और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, समय वगैरह, दुकान, ऑफिस, अगर आप अपने काम धंधे की जगह पर स्थापना करना चाहते तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों गणपति जी के लिए पूजा विधि क्या रहेगी, जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गणपति पूजा से जुड़ी कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी देख लीजिएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणेश मूर्ति विसर्जन को लेकर 10 दिन तक यातायात भी बदला रहेगा, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में एक और चीनी मिल का होगा इजाफा। किसान भाई लोगों को गन्ना मूल्य की कीमतों में बढ़ोतरी का भी तोहफा देने जा रही योगी सरकार। खबर है दोस्तों बिजनौर के चांदपुर इलाके में बिंदल ग्रुप की नई निजी चीनी मिल और डिस्टिलरी इस बार गन्ने की पेराई करने के लिए तैयार हो चुकी है। अच्छा बड़ी खबर है अयोध्या में समय सीमा के 3 महीने बाद भी जन्मभूमि पथ का काम अधूरा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा हो चुकी है लेकिन काम काफी धीरे चल रहा है। तो राम मंदिर निर्माण में लापरवाही पर प्रशासन ने एक्शन भी लिया। जीएम और प्रोजेक्ट मैनेजर को अयोध्या से हटा दिया गया। अच्छा एक और बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में स्थापित किया जाएगा 125 किलो सोने का शिवलिंग। साल 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे तो रामदल ट्रस्ट की तरफ से यह घोषणा की गई है। अयोध्या में 125 क्विंटल सोने का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। बड़ी खबर है हाथरस में 26 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला। कई बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, युवाओं के पास मौका है। सेवा योजन पोर्टल के जरिए आप रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खबर है हाथरस स्टेशन को लेकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधीक्षक ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि रविवार को भी खुलवाएंगे आरक्षण केंद्र। बड़ी खबर है मुस्लिम महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए देश भर में अभियान चढ़ेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। ये फैसला दिल्ली कार्य समिति की बैठक में लिया गया। रेल यात्रियों के लिए खबर है दोस्तों, दिवाली और छठ पर घर जाने वाले रेल यात्रियों को झटका लग सकता है क्योंकि ट्रेनें फुल हो गई और कई रूटों पर ट्रेनों में कटौती भी की गई है। है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मजदूरों के बच्चों से बातचीत करेंगे। 18 मंडलों के बच्चों को अटल स्कूल में फ्री एडमिशन और आवास भी मिलेगा। वाराणसी में 23 तारीख को पीएम मोदी के आने का प्लान तैयार किया जा रहा है ना। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। यहां व्यापारियों से बोले सीएम योगी कि यूपी में इन्वेस्ट करें, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। और अपने गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया। 10 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपा गया। 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित इस फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है। इससे प्रदेश के 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं सीएम योगी ने 900 करोड़ के निवेश को जमीन देने के लिए आवंटन पत्र भी सौंप दिए हैं। कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में 136 करोड़ रुपए के अवस्थापना कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनता दर्शन दरबार लगाकर मुख्यमंत्री योगी ने फरियाद भी सुनी। बोले गंभीरता से हो समस्याओं का निराकरण, अधिकारियों को निर्देश दिया। ये देखिए कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें। जनता दर्शन में सीएम योगी ने पीड़ितों के बच्चों को चॉकलेट भी वितरित किए। वहीं गोरखपुर में मुख्य बधिर छात्रों से मिलकर भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो बोले कि छात्रों को रहने के लिए यहाँ छात्रावास भी बनाया जाएगा जल्द ही। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, 100 साल बाद कैसा दिखेगा योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर। जब एआई से इसकी तस्वीरें जानी गई तो यूं कुछ तस्वीरें बनाई है, मानो आधुनिक शहर लग रहा हो, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला। उम्मीद है ये भविष्य का सपना जल्द ही साकार होगा। गोरखपुर ऐसा भी हो सकता है, आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा लेकिन एआई ने यह अनुमान लगाया। इन तस्वीरों में कई ऊंचे मंदिर भी नजर आ रहे हैं, मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी योगी आदित्यनाथ की प्रवृत्ति को जानता हो। खैर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कमेंट में बताइएगा जरूर। सीएम योगी ने कहा कि जन कल्याण को समर्पित है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन। इस दौरान पीएम मोदी पर भी बातचीत की इन्होंने। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। ये कहना है प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुल 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर टोटल 343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निवेशकों को भी गोरखपुर में कुल 102 इंडस्ट्रियल प्लांटों का अलॉटमेंट लेटर सौंपा। और वहीं देखिए दोस्तों, वाराणसी में पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वाराणसी के एक स्कूल में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ समय के लिए मां साहब बने, यानी मास्टर साहब का रोल निभाया इन्होंने। 15 मिनट तक बच्चों की क्लास ली, डिजिटल ब्लैक बोर्ड में अंग्रेजी में कुछ लिखकर बच्चों से पूछा और बच्चों के सही जवाब सुनकर मुस्कुरा भी दिए। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा रिंग रोड। 23 गांव की जमीनों के दाम आसमान छुएंगे। सीएम योगी ने नया प्लान बनाया है। खबर है दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में परियोजना प्रोजेक्ट के लिए सीएम योगी किसानों से जमीन लेगी और यहीं पर एक बड़ा नया रिंग रोड बनाने का प्रोजेक्ट प्लान चल रहा है। बड़ी खबर है, बिजनौर मध्य गंगा नहर फेज 2 का ट्रायल पास हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्लान को गति दी। इन 3 जिलों के 1850 गांवों के खेत अब सूखे नहीं रहेंगे। नहर के जरिए किसान भाई लोगों तक सिंचाई का पानी पहुंच पाएगा। इस नहर से मुरादाबाद, अमरोहा और संभल, इन 3 जिलों के किसानों को पानी की सप्लाई मिलेगी। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने समीक्षा बैठक भी की। अधिकारियों से बोले कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करवाएं, गुणवत्ता से समझौता ना किया जाए। और देखिए उत्तर
प्रदेश में 47 साल बाद बसेगा नोएडा जैसा शहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को डेवलप करने की भी मंजूरी दे दी। बड़ी खबर है, योगी सरकार इन 3 जिलों में खोलेगी यूनिटी मॉल। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही आगरा और वाराणसी में भी सीएम योगी ने यूनिटी मॉल खोलने का प्लान बनाया है, जिससे कि स्थानीय हस्तशिल्प निर्माताओं को बाजार मिलेगा, एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी यूपी में 30,000 सोलर पंप लगाने के लिए फॉर्म भी जारी कर चुके हैं। किसान भाई लोगों को इसके लिए अनुदान भी दिया जाएगा। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कुल 434 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 30,000 सोलर पंप इंस्टॉलेशन पर। इसके लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस योजना से जुड़ सकते हैं। और इस योजना में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सीएम योगी 30-60% तक राज्य और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग धनराशि खर्च करेंगे। कुल 6% की छूट ब्याज में भी दी जाएगी किसान भाई लोगों को, जिसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, इस पीएम कुसुम योजना से प्रदेश के 30,000 से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने 29 जून को भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला लिया है। वहीं 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में योगी सरकार सर्वेक्षण अभियान चलाएगी। महात्मा गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खबर है, प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों को लखनऊ में भामाशाह पुरस्कार भी देगी योगी सरकार। अच्छा, किसानों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को पूरा करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख तय कर दी है, और ये तारीख रखी है 25 सितंबर तक हर हाल में डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए। देखिए बड़ी खबर, आकाशीय बिजली का कहर, कई जिलों में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, देवरिया में बिजली गिरने से कई लोग घायल हो गए और कई लोग जान भी गंवा बैठे। कानपुर में झमाझम बारिश चल रही, यूपी में बदलेगा मौसम, वज्रपात से अब तक 11 लोगों की जान गई, 32 लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में बारिश की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग का कहना कि कल मौसम साफ रहा और आज से फिर से बदलेगा करवट, नया सिस्टम एक्टिवेट होगा जिससे प्रदेश के 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में बारिश के आसार है। 15 जिलों में तो बिजली गिरने और चमकने की भी संभावना है। वहीं देखिए, कुशीनगर जनपद में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मासूम समेत 5 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया। और अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों, प्रदेश के किन किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी वगैरह वगैरह, अंबेडकर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है, सावधान रहिएगा आप भी। और जानलेवा बीमारी डेंगू का प्रकोप भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद में डेंगू और बुखार से 4 और लोगों की जान चली गई, मरीजों की संख्या टोटल बढ़कर 250 पार पहुंची। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की है, आजकल देश में डेंगू का एक नया स्ट्रेन फैल रहा है जिसका नाम है Dengue 2। ये स्ट्रेन सामान्य डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा में भी इसके काफी मामले सामने आए हैं। डेंगू के Dengue 2 स्ट्रेन के लक्षण क्या क्या है जो भी आप देख सकते हैं, तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स अचानक गिरना, शरीर पर लाल चकते बनना, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग। ये लक्षण अगर लंबे समय से दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हाथरस में भी देखिए, युवक सहित मिले 2 डेंगू पीड़ित, कुल संख्या 46 हुई। विभाग ने सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही भी कराई। आगरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, 23 सालों से लगातार पूर्व मंत्री करते हैं अपने बेटे की याद में आयोजन, हर जरूरतमंद का निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। वह देखिए, इटावा खुनियाव CHC पर आयुष्मान मेले का आयोजन हुआ, 639 मरीजों की जांच गई सेहत, दवाओं का वितरण किया, स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। अयोध्या में देखिए, अशोक सिंहन जयंती पर निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शुरू होंगे 27 तारीख से। कृत्रिम हाथ, पैर, बैसाखी, व्हील चेयर, तिपैया साइकिल, कान की मशीन वगैरह भी दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक रहे अशोक सिंहल की जयंती के मौके पर अयोध्या के कार सेवकपुरम में 5 दिवसीय सहायता शिविर का आयोजन होगा। इसके लिए आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई, एक स्कूल के 27 बच्चे अचानक बीमार हो गए, सबको सांस लेने में तकलीफ आई, फिर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण ये बच्चों की तबीयत बिगड़ी अचानक से एक साथ, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नवजात शिशुओं को अब जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है, अब अस्पताल में बाय डिफॉल्ट ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए योगी सरकार की तरफ से मां नवजात ट्रैकिंग मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया, जिससे आप और सहायता ले पाएंगे। बड़ी खबर है, टीबी मुक्त कराने के मामले में उत्तर प्रदेश में एटा जिला टॉप पर रहा और राज्यपाल ने भी इस जिले के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है। खबर है, टीबी मुक्त होने पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा, ब्लॉक में शुरू होगा टीबी मुक्त पंचायत अभियान। अच्छा, वही बड़ी खबर है, वाराणसी में मां कुष्मांडा मंदिर में श्रृंगार संगीत महोत्सव का समापन हुआ, माता को 56 भोग लगाया गया। अच्छा, किसान भाई लोगों को सतर्क करने वाली एक बड़ी खबर आ रही है, रामपुर में बिक रहा था नकली फर्टिलाइजर का नमूना लैब में फेल होने पर कृषि विभाग ने किया सेल्स लाइसेंस भी कैंसिल, मिलावट करने वालों में हड़कंप समझ गया। दोस्तों, अगर आप एक किसान परिवार से आते हैं तो सही दुकान से फर्टिलाइजर खरीदें या सहकारी समितियों से ही खरीदें। अच्छा खबर देखिए, गोंडा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने कल सोमवार को जला
अभिषेक किया। देर रात से झूठी कांवड़ियों की भीड़ पृथ्वीनाथ दुखहरण नाथ मंदिर में रात से लगी लाइनें। रेलवे से खबर है, स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया IRCTC। 28 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा, 10 दिन में तिरुपति बालाजी रामेश्वरम कन्याकुमारी की यात्रा करवाएंगे आप। इस टूर पैकेज के लिए ज्यादा जानकारी आपको IRCTC के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, है ना। और मैं देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ABVP ने चलाया प्लास्टिक कलेक्शन अभियान। हर रविवार कैंपस को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए छात्र यह अभियान चलाएंगे। खबर है दोस्तों, नोएडा में लगने वाले ट्रेड शो में कृषि से संबंधित भी 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रत्येक जनपद से 200 किसान सीखेंगे नई तकनीक। सचिव कृषि की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब फिरोजाबाद होगा चंद्रनगर। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कही ये बड़ी बात। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बार फिर से फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की आवाज उठ रही है। फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने की बात रखी गई है और ये बात खुद योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फिरोजाबाद का नाम आने वाले दिनों में चंद्रनगर हो जाएगा। ये प्रस्ताव जिला पंचायत फिरोजाबाद में है। खबर है, अब आपको अपनी संस्कृति से रूबरू कराएगी IIT कानपुर। भारतीय वास्तुशास्त्र, योग और गणित पर भी तैयार किया जाएगा सिलेबस। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर आई है। छात्रवृत्ति के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है और अब युवा अभ्यर्थी 28 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। चलिए अगली बड़ी खबर है, यूपी में दलितों की जमीनों को बेचने की इजाजत अब ऑनलाइन ही होगी। योगी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया। दलितों के साथ कोई धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। इसके लिए योगी सरकार ने पोर्टल भी जारी कर दिया, bor.up.nic.in। राजस्व परिषद ने प्रदेश के सभी जिला DM को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। खबर देखिए, यूपी में इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शहर में पराली से बनाई जा रही गणेश जी की प्रतिमाएं। आगरा में इस तरह की नई पहल की जा रही है, आप देख सकते हैं जानकारी, है ना। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, मिर्जापुर में एथलीट चंदा की नजर एशियाई खेल 2023 में। चीन के हांगझो में 23 सितंबर से शुरू होंगे मुकाबले। 20 साल से भारत को नहीं मिला गोल्ड मेडल। यहाँ और वहीं T20 के एक खिलाड़ी का सफर देखिए, भट्टे पर मजदूरी करने से लेकर क्रिकेटर बनने तक का सफर। मेरठ मैवरिक्स के फास्ट बॉलर कुलदीप कुमार की कहानी, ये बोले कि कोच का शुक्रिया जिन्होंने बिना फीस के मुझे सब कुछ सिखाया। और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास से पहले पीएम मोदी मिनी रोड शो भी करेंगे 23 तारीख को। और बड़ी खबर देखिए, नोएडा के मोटो GP के लिए 11 अलग मार्गों पर मिलेगी शटल। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा से मिलेगी शटल। 1500 रुपए अधिकतम किराया होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का